नमस्कार मेरा नाम सत्यकाम आनंद है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अगर मुझे जानते हैं अभी इस रूप में तो बहुत अच्छी बात है नहीं जानते है, तो मैं बता रहा हूँ अपना परिचय मेरा नाम सत्यकाम है बताया जैसा और आपने एक फिल्म में देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर उसमें कैरेक्टर है मेरा जे सिंह और आप लोगों ने देखा होगा उसका एक टैग लाइन है जिसमें कहा गया बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो बेटा मैं ही हूँ बेटा तुमसे ना हो पाएगा मैं तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तुमसे ना हो पाएगा और ये एक ऐसा कॉमन लाइन है मुझे लगता है कि हम सबके लाइफ में ये लाइन कहीं ना कहीं से दोस्त हो माता पिता हो समाज हो सोसाइटी हो हमेशा ये लाइन यूज़ करता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने सोचा कि मैं ये काम करूँगा या कुछ भी करूँगा एक्टिंग के फील्ड में जाऊँगा तो मुझे भी लोगों ने बोला कि मतलब कहाँ आ जाइए अतःरे से हो ही ही कर सकला इस तरह के बाद बहुत सुने के मतलब मुझे भी सुनने को मिला है लेकिन क्या है कि अब मुंह से जवाब तो हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि मुंह के जवाब तो मुंह का जवाब होता है तो असली जो जवाब है जहाँ पे आप आ, किसी को कहते हैं ना कि मतलब शट कर देना चुप करा देना तो वो वर्क से ही होता है आपके मेहनत से होता है तो मुझे लगता है कि मेरी कभी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को शट कराऊँ या चुप कराऊँ बट ये ज़रूर था कि ज़रूर बताया जाए कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये जो वर्ड है ये कहने के लिए ऐसा रियल में नहीं अगर हम ठान लें प्रॉपर एक प्लानिंग करें एक स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़े, कुछ राय मशवरा लें किसी भी चीज़ को और करने के लिए जब ठान लेंगे हम तो होगा ही होगा और प्राउडली आप कह सकते हैं जैसा मैं आज कहता हूँ कि सब कुछ सिर्फ मुझसे ही होगा तो ये मेरा परिचय था और मैं आरा का रहने वाला हूँ मेरा घर है आरा मेरे बाबूजी जी श्री शिव कुमार सहाय जी हैं जो जैन स्कूल में टीचर थे प्रिंसिपल होकर रिटायर हुआ आ रहा जैन स्कूल में माता जी हैं प्रभा सहाय भाई हैं सब कुछ हमारा पूरा परिवार वही है तो एक जर्नी है आरा से लेके मुंबई या गैंग सो वासपुर तक इस बीच में हज़ारों बार ये बात सुनी गई होगी तुमसे ना हो तुमसे ना हो पाएगा इवन मेरा ऑन स्क्रीन पूरे भारत अगर मुझे जानती है तो उसको यही लगता है कि तुमसे ना हो पाएगा बट हम आगे अपने बारे में आपको मैं बताऊँगा जो कह रहा था कि मुझसे ही होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अपने बारे में और आपको भी पता अब हम लोग आते हैं मैं अपनी जर्नी में बिल्कुल ये बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी जो पहचान है एक एक्टर के रूप में पहचान है तो आखिर कही न कहीं ना कहीं से जर्नी तो शुरू हुई होगी तो मेरी जर्नी भी बड़ा फिल्मी जर्नी है इस फील्ड को लेकर फिल्म इसलिए है क्योंकि मुझे कभी इस फील्ड में काम नहीं करना था मुझे पता भी नहीं था इसके बारे में इतना पता था आरामे था मैं तो नाटक वगैरह हुआ करता था बट ना कभी नाटक में जाने की इच्छा रही लाइफ में ना कभी नाटक देखने गया मेरे साथ घटना ये घटी कि चूँकि मेरे घर में सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं टीचर प्रोफेसर सब हम लोग वही हैं हमारे घर में तो मेरे बड़े भाई जो हैं शिवशंकर सहाय सुनील भैया उनका एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में हो चुका था वो उसमें पढ़ते थे तो मेरे घर वालों की इस बात की बहुत फिक्र थी कि भाई जो सोशल स्टेटस है कि एक बेटा पढ़ेगा साइंस कॉलेज में और दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ पढ़ेगा क्योंकि मेरे मार्क्स उतने नहीं थे जो साइंस कॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो मेरे घर वालों ने मुझे नाटक में डाला कि नाटक के थ्रू उसके कोटा पे मेरा जैन पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में नाम लिखा जाएगा स्पोर्ट्स कोटा कल्चरल कोटा इसलिए उन लोगों ने डाला कि नाटक का एक स्पीच तैयार करो जहाँ के वहाँ पर ट्रायल देना और तुम्हारा तुम्हाराम करवा देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये उनका कॉन्सेप्ट था तो उनकी चाहत को पूरा करने के लिए मुझे नाटक में डाला गया और उसके बाद मैं आया हाँ पटना साइंस कॉलेज में और अ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ऑफकोर्स नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे और जब नहीं हुआ तो मुझे जो घटनाएं घटी यानी कि जब मैं परफॉर्मेंस देने गया साइंस कॉलेज में ट्रायल जिसको कह सकते हैं तो बहुत सारे बच्चे थे लड़कियां थी उस समय लड़कियां कुछ थी लड़के भी थे मैं ये बात कर रहा हूँ 93 की तो एक लड़की थी कोई बेंगोली थी उनका सिलेक्शन हुआ बट मैंने जब परफॉर्म किया और जो मुझे वहाँ फ़ील हुआ वो बहुत ही ब्यूटीफुल फील था एक जिसको मतलब अगर मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि जैसे जीवन में होता है ना पहला प्यार तो पहला प्यार का जो फील होता है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो वो मुझे फील हुआ ऐसा लगा कि यार कुछ तो छुरछुरी हो रहा है अंदर हो के आ रहा है और क्यों हो रहा है ये क्या ऐसी चीज़ है यार इतना मज़ा क्यों आ रहा है तो मज़ा आने लगा था इस इस काम से यहाँ एडमिशन नहीं हुआ मैं आ रहा गया अपने घर वापस वहाँ जैन कॉलेज है उसमें तो मेरा एडमिशन लिया लेकिन आ, प्यार हो गया था याम मामला कहते प्यार से भी ज़्यादा मुझे लगता है इश्क हो गया था तो अब करने लगा मैं घर नाटक नाटकोरा चलता था आराम रहा मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन जैसे ही ट्वेल्व कंप्लीट होने वाला था वैसे ही फिर से ड्रामा हुआ और वो ड्रामा ये हुआ कि मेरे घर वालों ने जैसे सबके घर वाले होते हैं वैसे उन्होंने इस बात को बोला कि अब नाटक डॉक्टर की बंद करो और आपको इंजीनियरिंग करना है तो गड़बड़ हो चुका था क्योंकि तब तक मैं थोड़ा विद्रोही टाइप का आदमी हो चुका था और ज़िद्दी आदमी हो चुका था कई तरह के छोटे मोटे रेवोल्यूशन आरा में कर चुका था जैसे आरा में तीन उस समय तीन ही नाटक ग्रुप था और उसमें स्थिति ऐसी थी कि अगर इनके साथ मैं कर रहा हूँ तो उनके साथ नहीं करूँगा ये अपने ग्रुप में नहीं लेंगे अगर इनके ग्रुप में चला गया तो जिस ग्रुप में पहले था वो नहीं लेंगे हमको तो बड़ा खराब स्थिति थी और जैसे होता है ना प्यार की हमेशा लगे कि उस लड़की से मिलना ही चाहिए मिलना ही मिलना जिससे प्यार होता है वैसे आता है नाटक करना यार एक्टिंग करनी है और तीन ही ग्रुप है तो वहाँ पर हुआ कि नहीं इसका कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा तो व्यवस्था ऐसा हुआ कि फिर उसमें थर्टी थ्री ग्रुप आरा में खड़ा कर दिया मैंने तो अब इतना एक रेवोल्यूशनरी नेचर का मैं हो चुका था मैं 96 की बात कर रहा हूँ ये अब घर वालों ने जब मना किया तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, था और हमारे घर में इस बात की एक बहुत अच्छी अभी भी माहौल है कि हम खुल के बात कर सकते हैं कह सकते हैं अपनी बात ऐसा नहीं कि बाबूजी हैं तो कुछ भी कह दे वैसा नहीं हमें रख बात रखने की आज़ादी थी तो मेरे फादर से मेरी बात हुई बाबूजी से तो मैंने उनको यही बोला कि ये तो गलत बात है आप लॉलीपॉप खिलाते हैं मुझे चार दिन लॉलीपॉप खिलाएंगे आपके मन से लॉलीपॉप खिलाएंगे आप और आज वापस मुझे लॉलीपॉप खाने का मन कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि लॉली खाना ही नहीं है ऐसा नहीं चलेगा भाई ऐसा तो फिर फादर ने बोला कि तुमको करना है अगर यही काम अपने मन का काम करना है तो मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूँगा तुमको जाना है करो जो करना है करो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करूँगा अब मेरे मन का काम करोगे तो सपोर्ट करूँगा मैंने कहा गजब हाल ऐसा थोड़ी होता है ठीक है आप मुझे ऐसा कैसे मतलब एक फादर ऐसा कैसे कर सकता है इस तरह की बातें थी हमारे यहाँ तो उन्होंने बाबू ने बड़ा हाथ उठा दिया और हंसते हुए कहते बहुत कुछ सीरियस माहौल नहीं था तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अब मुझे अगर करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा अपने आप से और एक है ईगो है मेरे अंदर कह सकते हैं ज़िद्द है कि अच्छा मतलब ये था कि मतलब कि आप मतलब भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कि मतलब रो ना मदद करम तो हम ना जाइम ये जो टिंगड़ापन एक है अकड़पन तो जाइम वो रोक ले हमारा के एक तरह के बात मन में आया उस समय तो इस तरह की बात और फिर ये तो कहने के लिए तो कह दिए अकड़ तो दिखा दिए बाबू को कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है हमें लेकिन जब वास्तविकता में आए तो भाई पैसे की ज़रूरत तो है बिना पैसे के आप कहाँ मूव कर सकते हैं तो इसके लिए हुआ कि अब क्या रास्ता हो और आज भी है वो चीज़ कि नहीं मतलब नहीं तो फादर से लेना नहीं है मतलब नहीं लेना है तो क्या करेंगे आप ऐसा था स्थिति तो फिर हुआ कि भाई चलो ट्यूशन से पढ़ाते हैं क्योंकि वही पढ़ा सकते थे हम कुछ पता नहीं था तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था चूंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं था तो आठवें नवे दसवें क्लास को नहीं पढ़ा सकता था चौथे पाँचवें क्लास को पढ़ा सकता था तो बारह तेरह रुपया पंद्रह रुपया उसमें मिलता था फी लगा कि पूरी ज़िंदगी सला निकल जाएगा इसी में पढ़ाते पढ़ाते कहाँ से पैसा आएगा दिल्ली जाना था मुझे थिएटर सीखने के लिए प्रॉपर फिर बाद में समझ में आया कि तो पूरी उम्र निकल जाएगी फिर बाबूजी के जो ट्यूशन्स के पैसे लोगों का बकाया था उसका एक लिस्ट बनाया सोचा कि इसी को वसूल लाऊँगा तो जल्द पैसा आएगा तो बीस हज़ार का उस टाइम पे दो नाइन्टी सिक्स की बात कर रहा हूँ एक लिस्ट बनाया कि वसूलूँगा बाऊजी का पैसा और एक स्ट्रैटी बनाया कि कैसे वसूलूँगा तीन बार में जाना है अच्छा बाऊ की एक बात मुझे ध्यान आया कि पैसा आखिर वसूलूँगा कैसे तो उनकी एक बात हमेशा लाइन कहते हैं वो कि सामाजिक प्रतिष्ठा में आदमी अपन जानो दे दी तो ये जो सोशल रेपुटेशन सोशल जो इमेज है ये एक बहुत बड़ा वेपन मेरे लिए बन गया कि इसी से खेला होगा नहीं तो नहीं होगा तो उसमें मैंने स्ट्रेटजी बनाया कि भाई उस आदमी के पास तीन बार जाऊंगा और तीन बार में मुझे पैसा किसी भी हाल में निकाल ही लेना है क्योंकि अगर नहीं निकाला तो ना मैं बॉम्ब दिल्ली जा सकता हूँ और ना जब बाबू जो अकड़ के बतियाए हैं वो अकड़ खत्म हो जाएगा बॉस ये तो बर्दाश्त नहीं होगा तो उस आदमी के पास गए तो उसमें क्या था चूँकि नुक्कड़ और प्ले करते थे हम लोग थिएटर प्ले करते थे तो शर्म उरम खत्म हो चुका था अब इस बात का कोई था नहीं कि क्या, क्या, क्या कुछ भी करा लीजिए आप मतलब चड्डी पे अंडरवेयर पे कुछ भी करा लीजिए ये नुक्कड़ जो भी करेगा वैसा हो जाता है तो उसमें स्टैटी यू होता कि पहली बार जाऊंगा उनसे तो बहुत क्लोज में बात करूंगा कि मैं कौन हूं मैं सुकमार साहब मास्टर साहब का बेटा हूं आया हूं आपके पास पैसा लेने के लिए सेकंड टाइम में मैं थोड़ा दूरी से बात करूंगा आवाज़ ऊंची करके ताकि आस पड़ोस को सुनाई दे थर्ड टाइम में और दूर से बात करूंगा ताकि मोहल्ले को सुनाई दे तो उसी शर्म में तो कम से कम पैसा दे देगा मेरा वो और ये सक्सेसफुल हो गया बहुत मज़ा आया मेहनत हुई बहुत लेकिन बारह हज़ार रुपया मैंने वसूल लिया बहुत मतलब ऑस्कर अगर मुझे मिल जाए तो शायद उतनी खुशी नहीं होगी जितना उस समय का वो बारह हज़ार रुपया वसूलना खुशी क्योंकि वह उसी समय आगे जाना था अब पैसा कौन देता है ऐसा मामला फिर पैसा लाया बाबू को बोला कि यह बारह हज़ार रुपया आपका है और छः आपका छः मेरा और छः हज़ार रुपया लिया मैंने और बोला कि अब आप रोक के दिखाइए तो क्या बोलेंगे कुछ बोले नहीं तो मैं उसके बाद मैं निकल गया दिल्ली दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे अस्मिता थिएटर ग्रुप है अरविंद गौड़ का क्योंकि मैं तब तक ग्रेजुएशन मेरा नहीं हुआ था कि मैं एन एस लिए ट्राई कर सकूँ ये फर्स्ट ईयर में था यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ आ रहा मैं पढ़ने उड़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि लालू जी का राज था उस समय तो पढ़ना उड़ना कोई मस्ट नहीं था तो हुआ कि टाइम क्यों बर्बाद करना है मैं दिल्ली चला गया थिएटर किया वहाँ पे चलता रहा रहूँ थिएटर के वहाँ पे अरविंद गौड़ जी के साथ अस्मिता थिएटर ग्रुप दो साल किया उसके बाद फिर एनएसडी एस के लिए दिया मैंने लेकिन मेरा हुआ नहीं फिर मैंने डिसाइड किया कि अब दोबारा मुझे नहीं देना है लाइफ में और एन मुझे इसलिए नहीं जाना था कि मुझे एक्टिंग सीखना था एन मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मुझे हॉस्टल लाइफ जीना था तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। और वहाँ से फिर दो तीन साल रहने के बाद समझ में आया कि जितना सीखना था दिल्ली में सीख लिए अब थोड़ा तो चलते हैं आगे क्या करना है तो आगे के लिए मूव किए हम लोग मुंबई तो ये एक तो यहाँ तक की जर्नी ऐसे रही अब मुंबई जाने के बाद वही प्रॉब्लम आई थी क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं कोई भी कि जाना वहाँ सीखना है लेकिन मुंबई जाने का मतलब ये है कि हमको अब काम चाहिए अब जो सीख के आए हैं उसको हमको व्यवहारिक रूप में यूज़ करना है सीखना है नहीं है काम चाहिए तो वहाँ से काम ढूँढने की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें जो मुझे पहला काम मिला था वो था उस समय का एक जी टी वी पे सीरियल आता था, था जिसका नाम था तमन्ना हाउस तो काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम का ये मैं बता रहा हूँ टू थाउजेंड टू थ्री की बात कर रहा हूँ Uh, काफ़ी पॉपुलर रहा था तो वहाँ से फिर एक रास्ता हुआ उसके बाद कई सारे सीरियल उस समय के पिया का घर एक बहुत ही बड़ा सीरियल था जी का सहारा पे कई सारे सीरियल आते थे एक हकीकत करके आता था, था जिसके महेश भट्ट साहब एंकरिंग करते थे जैसे आज क्राइम पेट्रोल है उस समय हकीकत हुआ करता था तो ऐसे जर्नी चलती गई चलती गई फिर बीच में एक टाइम पर मुझे लगा ऐसा कि दो चार साल के बाद कि यार मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है इंडस्ट्री में बड़ा स्ट्रगल है यार ये पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं तो एक 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 एक, एक मन में बात आई कि मेरे लिए मेरा लाइफ इंपॉर्टेंट है आज भी अचीवमेंट से ज़्यादा मेरा लाइफ इंपॉर्टेंट है लाइफ मतलब मुझे जो जीवन मिला है मुझे हर पल जीना है और मज़ा लेना है ज़िंदगी का जो जन्म मुझे मिला है उसका मुझे मज़ा लेना है तो इसी वजह से यह सवाल दिमाग में आने लगा कि यार हम बर्बाद समय हो रहा है यार कुछ हो नहीं रहा पता नहीं कहाँ जाएगा आज है कल नहीं है कोई गारंटी नहीं है सारी चीज़ें थी तो उस समय मैंने मूड बना लिया था कि अब ये छोड़ दूंगा मुझे नहीं करना काम और अगर एक्टिंग नहीं करूंगा तो मुझे शहर ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस शहर में रह के मुंबई में रह के आप कुछ और काम करें ये नहीं पॉसिबल है तो मेरे दिमाग में ये थी कि कहाँ जाएंगे हम तो वापस मैं अपने शहर तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे सामाजिक हत्या हो जाती लोग ताने मार मार के मार मार के मार मार के खड़े ही मार देते ये सबके साथ होता है ठीक है तो इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि आ, मैं आऊँ और लोग सुनाएंगे कि बच्चन साहब बने भी रहा अमिताभ बच्चन बन ले बहुत तरह की बातें हम सबके साथ होता है तो ये बहुत क्लियर था कि मुझे वापस अपने शहर में तो बिल्कुल नहीं लौट के आना है तो अब कहाँ जाएंगे तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी मेरी शादी हो चुकी थी तब मैं मुंबई एक्चुअली शादी करने गया था मुझे डे वन से मुंबई नहीं फिल्म में काम नहीं करना था मेरी वाइफ गोवा के रहने वाली है गोवन है शी इज़ अ गोवन तो मुंबई से गोवा पास था तो मैं बार बार मुझे जाने में आसानी था क्योंकि दिल्ली से गोवा जाना बहुत दूर होता था इसलिए मैं मुंबई गया था तो उनके फादर से जा के बात करना था मुझे कि मैं चाहता हूँ शादी करें अरेंज शा मैरिज हो और मेरी अरेंज मैरिज ही हुई है मेरी तेईस साल की शादी है उन्हीं से आज तेईस साल हो गए तो उनसे बोला कि अब निकलना है यहाँ से ऐसा छोड़ते हैं और मेरे पास एक था कि गोवा एक प्लेस था जहाँ पर मैं जाके कुछ कर सकता तो कुछ मैं क्या कर सकता हूँ तो मेरे पास एक्टिंग के अलावा अगर मैं कुछ जानता हूँ तो वह है फूड मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है जितना पसंद है एक्टिंग और फिल्म में काम करना उतना ही आज भी खाना बनाना और खाने में इंटरेस्ट मतलब उसके बारे में तो बहुत तरह के मैं डिशेज आज भी बनाता हूँ तो मुझे लगा कि एक मेरे पास ऐसा सॉलिड चीज़ है जिससे मैं अपनी जिंदगी बढ़िया से गुजारूंगा जिसमें मुझे खुशी मिलेगी और बाद में मन बहुत जब आर्टिस्ट वाला जब मेरा मन होगा बहुत कचोटेगा मुझे तो गोवा में ही छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं थिएटर करूंगा। बड़े बच्चे इसलिए नहीं क्योंकि फिर उनके साथ मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएगी और जहां महत्वाकांक्षाएँ आती हैं कहा गया है बहुत बड़े आदमी विवेकानंद साहब ने कहा है कि जो जितना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है वो उतना ही ज़्यादा दुखी है तो ये फैक्ट है कि जैसे आप जतना स्प्रेड करेंगे जैसे ही आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है आपके स्ट्रगल बढ़ जाते हैं आपके बहुत कुछ बढ़ जाते हैं वो वाले दुख की बात यानी तकलीफ है स्ट्रगल है तो रेस्टोरेंट खोलने के दिमाग में आया कि करते हैं एक रेस्टोरेंट जाके खोलेंगे दिल्ली गोवा में और मस्त लाइफ रहेगा लेकिन एक बात मन में हमेशा चल रही थी उस समय कि यार एक लास्ट कोशिश ना और करूँगा मैं ताकि लाइफ में कभी मुझे इस बात का मलाल ना हो अरे ये साल एक ये कोशिश किया होता ना यार तो शायद जिंदगी कुछ और हो जाती तो ये बात मन में आई तो हुआ कि नहीं एक लास्ट कोशिश करता हूं और वो लास्ट कोशिश ये था कि हमारे पास एक फिल्म थी ऑलरेडी हमने दोस्तों ने मिलकर पूरी प्रॉपर फिल्म बनाई थी तो ये था कि जितने हमारे जानने वाले लोग हैं जिनके पास हम पहुंच सकते हैं उनको हम लोग कॉन्टेक्ट करें और एक, एक स्क्रीनिंग रखें अपने पैसे से हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग रखा और जैसे कहते ना कि बेटी की शादियां होती हैं वैसे और एक बाप चाहे कोई जाके बोलता है कि भाई आप मेरी बेटी की शादी है आप आइए हमारे घर उसी तरह से हम लोग सब लोग गए कि भाई हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है एक फिल्म बनाई है हमने एक, एक स्क्रीनिंग रखा है तो सर हो सके तो आप आइए तो कई लोगों से मिले हम लोग जिसको जिसको हमारी पूरी टीम मिली जिसकी जिसकी जान पहचान थी प्रकाश झा थे ननिता दास थे अनुराग कश्यप थे ऐसे बहुत सारे लोग थे लेकिन उसमें मेरा जो टारगेट था या हमारी पूरी टीम की टारगेट थी कि अनुराग कश्यप टारगेट थे कि ये किसी भी तरह आ जाए तो मज़ा आ जाए तो लिंक थे कुछ किसी लिंक के थ्रू उन तक पहुँचा गया मिले और जो मेरा डायरेक्टर था उस फिल्म का वो आई आई एम अहमदाबाद का टॉपर था तो जीनियस था स्टडी में वो और उसकी जो रूपरेखा था उसको देख के हम लोग सभी बहुत विश्वास था हम लोगों को कि अनुराग कश्यप से अगर एक बार मिल गया ये तो उसको पसंद करें क्योंकि उनकी पसंद के बारे में जानता था और मेरी वाइफ अनुराग कश्यप की उस समय सेक्रेटरी थी तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था जबकि मैं अनुराग कश्यप से कभी नहीं मिला था अब उससे पहले तो उनके थ्रू हमें ये पता चला कि अनुराग कश्यप ऑफिस में हैं और छत्रपाल नाम था डायरेक्टर का छत्रपाल नीनावे छत्रपाल नीनावे को बुलाया गया ऑफिस में और वो अनुराग के सर से मिला और उसने इन्वाइट किया कि सर आप आइए हमारी फिल्म देखिए उस फिल्म का नाम है द्वंद और द्वंद फिल्म उन्होंने देखा और देखने के बाद जब बाहर आया स्क्रीनिंग से तो मुझे चूंकि जानते थे, थे थोड़ा बहुत उनको पता नहीं था कि उनकी जो सेक्रेटरी है वो मेरी वाइफ है उनको नहीं मालूम था क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं वासेपुर से पहले मैं कभी उनको ऑफिस में नहीं गया और मेरी वाइफ चार साल काम किया उनके साथ मैं कभी नहीं गया तो लेकिन जानते थे मुझे क्योंकि नवाज़ के साथ नवाज़ को मैं बहुत सालों से जानता हूँ पहले से जानता हूँ तो कुछ शॉर्ट फिल्म हम लोगों ने पहले किया था जब नवाज़ नवाज़ नहीं थे तो चूँकि हमारा सर के बहुत पुराने दोस्त थे दिल्ली से ही दोस्त थे वो नवाज तो उन्होंने मुझे कई सारे शॉर्ट फिल्म में देखा था वो तो बोलते मुझे देख के कह रहे हैं अरे तू यहाँ क्या कर रहा है तो अब मैं क्या बताऊँ क्या कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि सर आप मैं नर्वस था ऑब्वियसली मैंने कहा सर आप देखिए तो सही मतलब मेरे अंदर ये चल रहा था कि यार आप तो दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है अब क्या होगा यार अगर इसमें इस बंदे को ठीक नहीं लगा तो तो मतलब सारा भी ख़त्म हो जाएगा ये मामला चल रहा था बट उन्होंने तो फिल्म देखी फिल्म देखने के बाद चूकि मैं लीड में था उसमें फिर उन्होंने बोला कि उनका जो एक तरीका है अपना बोलने का वो हमेशा हाइपर रहती है इस तरह से रहती अरे सुनो सुनो सुन सुनो सुनो सुन, सुन, और क्या काम किया तुमने और क्या काम किया सुनो उसमें सुन, कल ना ऑफिस तुम आ जाओ दो तीन के बाद तुम ऑफिस आ जाओ और ये लो नंबर मेरी सेक्रेटरी है उसका नंबर ले लो तो मैंने कहा ओके सर तुमने नंबर दिया मेरी वाइफ का नंबर दिया और ये सारी जिक्र है उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पर बुक लिखा है उस बुक में एक पैराग्राफ पर बहुत सारा जिक्र है इसका तो मैंने कहा ठीक है सर फिर ऑफिस गया मैं तो ऑफिस में गए हम लोग मेरा डायरेक्टर जो वो तो डर रहा था बेचारा क्योंकि वो बहुत बड़ा फ़ैन था यूज़ फैन अनुराग कश्यप के काम का तो वो डर रहा था कि कैसे मैं सामना करूँ खैर हम लोग ऑफिस गए और ऑफिस गए तो ये घटना है उस बुक में वो सर निकले बाहर कैबिन से अपना और आए बोले अरे आ अरे इतना बड़ा एक्टर इतना बड़ा एक्टर अनुराग सर के बारे में कहा जाता है कि आ, वो खुश रहते हैं तो ऑफिस हिलता है और वो गुस्से में रहते हैं तो भी ऑफिस हिलता है तो नॉर्मल आदमी है नहीं हाइपर रहता है ऐसे बात करते हो क्या हुआ अच्छा और इस तरह का मामला होता है तो उन्होंने देखा तो आती बोले जेपी आ गया जेपी आ गया जेपी आ गया जेपी आ गया ऐसे चिल्लाने लगे तो मुझे भी समझ में नहीं आया तो मुझे लगा कोई होगा ऐसे ही मुड़ के देखा कि कुछ होगा कोई पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे क्या पता जेपी कौन है फिर जब उनकी तेज आवाज बहुत हुई तो सरा ऑफिस के सारे लोग निकलने लगे बाहर अरे जेपी आए जिसान इधर आए वस इधर आ इधर आ जेपी आ गया जेपी आ गया जेपी आ गया कर रहे हैं मुझे लगा कोई और होगा आराम से खड़ा था मैं फिर सबसे मिलवाए और फिर मुझसे बोले कि सत्या नहीं पहले मेरी जो उनकी सेक्रेटरी थी मतलब मेरी वाइफ उनसे बोला कि सिमी हिम इज इज अ अ ग्रेट एक्टर दिस दैट दैट करने लगी वो भी चुप थी मेरी वाइफ फिर मुझसे बोले कि सत्या शी इज अ सिमी शी इज हैंडलिंग माय ऑल वर्क एंड दिस एंड दैट 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 करने लगे वो मैंने कहा ओके सर ओके ठीक है ठीक है क्योंकि बोलना नहीं था मैं पहली बार जा रहा था फिर वो अपने कैबिन में ले गए वो अब कैबिन में ले जा रहे थे तो मैं भी तो थोड़ा शरीफ नहीं ही था मतलब क्योंकि हाथ ने जर्नी बताया आपको खुराफाती तो थे ही थे अब मेरे मन में ये बात आ रही थी कि बेटा अब तो इनको मैं बताऊँगा और जैसे ही इनको बताऊँगा तो इनको तो पिछवाड़ा फटने वाला है क्योंकि इनको पता ही नहीं है और ये सोच सोच के ही ना बहुत मज़ा आ रहा था कि दो मिनट में पूरा माहौल चेंज होने वाला है जैसे ही कैबिन में हम लोग उनके घुसे उन्होंने दरवाजा खोला हम घुस के तो मैंने बहुत हम्बल हो क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी उनका चेहरा देखना था अगला पाँच मिनट के बाद वाला तो मैंने कहा सर आपसे एक बात कहनी बहुत हम्बल हो गया मैं सर हम एक बात कहनी आपसे तो बोले कि हाँ बोल 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 क्या करना बोल 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 मैंने कहा कि सर सिमी को मैं जानता हूँ हाँ हाँ सभी जानते हो जो, जो मुझे जानते हो सब जानते हैं इनफैक्ट जो मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलती नहीं है तो सिमी से मिलते हैं मैंने कहा नहीं सर थोड़ा औरों से मैं करीबी जानता हूँ उनको करीब करीब नहीं जानता हूँ तू क्या जानता करीबी कहा कि सर मेरी वाइफ है वो कह रहे क्या इस तरह का काउंड क्या और निकले बाहर गेट खोल के वैसे कर रहे सिमी और हकलाने लगे योर हसबैंड ही इज योर हस्बैंड तो उसने बोला कि हाँ हाँ अरे तुम्हें बताया नहीं तो यार तुमने बताया नहीं तुमने आज तक बताया ही नहीं तुमने बोला कि नहीं बताना था तो क्यों नहीं बताना था तो बोला कि सर, आपके पास कोई काम है मेरी वाइफ ने कहा कि आपके पास कोई काम था कि आप बताओ हाँ ये भी सही कह रही है मेरे पास कहाँ काम था कि तुम बुलाती ये अनुराग सर है फिर पूरे टीम को बताओ ये देखो ये देखो सिमी का हस्बैंड है आज तक किसने बुलाया नहीं ये किया वो किया पूरा एक हुआ फिर अंदर ले गए फिर अपनी फिल्म के बारे में बताया कि झारखंड व्यस्त एक फिल्म बना रहा हूँ उसमें एक जे सिंह नाम का कैरेक्टर है और ये ले स्क्रिप्ट ले पढ़ और वहीं बैठे बैठे मैं मिलने गया तो मुझे दोनों पार्ट का स्क्रिप्ट छः घंटा जबरदस्ती का बैठा दिया गया पढ़ने के लिए क्योंकि उस समय मैं मेंटली प्रिपेयर पढ़ने के लिए नहीं था जो घटनाएँ वहाँ घट रही थी बहुत मजा आ रहा था फील करके क्योंकि एक स्ट्रगल था ये कई मतलब मैं तीन साल अनुराग कश्यप के ऑफिस में लगातार लगभग जाता था कि कभी मिल जाए वो लेकिन कभी नहीं मिले फिर चार साल मेरी वाइफ थी वहाँ फिर भी नहीं गया क्योंकि नहीं जाना था इसलिए नहीं जाना था इसलिए जाना था मेरे अनुसार शायद आप लोग अगर कन्विंस हों इससे मुझे एज एन एक्टर मिलना था उनसे पति के रूप में नहीं मिलना था ये मेरे हस्बैंड हैं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता हम किसी मिलाएंगे कि इनसे मिलिए ये मेरे भाई हैं और ये एक्टर भी हैं इससे बेहतर होगा कि हम पहले एक्टर मिलवाएं फिर भाई बताएं तो मेरी ये सोच थी तो मुझसे बोले तू क्यों नहीं आया पहले मिल मेरे वाइफ से बोले तो ऐसा फिर मुझसे बोले कि अच्छा तू क्यों नहीं आया पहले मुझसे मिलने तो मैंने बहुत आराम से मुस्कुराते हुए बोला कि सर मुझे ऐसे आना था जैसे आज आया हो ऐसे नहीं आना था ठीक है और ये ये देखो देखो तो इस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर तक की जर्नी मेरी हुई और उसके बाद तो फिर सब क्लियर हो गया रास्ता उनकी सेक्रेटरी थी मतलब मेरी वाइफ उनसे बोला कि सिमी करने लगी वो भी चुप थी मेरी वाइफ फिर मुझसे बोले कि सत्या शी इज सिमी शी इज हैंडलिंग माय ऑल वर्क एंड दैट करने लगे वो मैंने कहा ओके ओके सर। ठीक है ठीक है क्योंकि बोलना नहीं था मैं पहली बार जा रहा था फिर वो अपने कैबिन में ले गए वो अब कैबिन में ले जा रहे थे तो मैं भी तो थोड़ा शरीफ नहीं ही था मतलब क्योंकि हाथ ने जर्नी बताया आपको खुराफाती तो थे ही थे अब मेरे मन में ये बात आ रही थी कि बेटा अब तो इनको मैं बताऊँगा और जैसे ही इनको बताऊँगा तो इनको तो पिछवाड़ा फटने वाला है क्योंकि इनको पता ही नहीं है और ये सोच सोच के ही ना बहुत मज़ा आ रहा था कि दो मिनट में पूरा माहौल चेंज होने वाला है जैसे ही कैबिन में हम लोग उनके घुसे उन्होंने दरवाजा खोला हम घुस के तो मैंने बहुत हम्बल हो क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी उनका चेहरा देखना था अगला पाँच मिनट के बाद वाला तो मैंने कहा सर आपसे एक बात कहनी बहुत हम्बल हो गया तो मैं सर हम एक बात कहनी आपसे तो बोले कि हाँ बोल 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 क्या करना बोल 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 मैंने कहा कि सर सिमी को मैं जानता हूँ हाँ हाँ सभी जानते हो जो मुझे जानते हो सब जानते हैं इनफैक्ट जो मुझसे मिलना चाहते हो तो मिलती नहीं है तो सिमी से मिलते हैं मैंने कहा नहीं सर थोड़ा औरों से मैं करीबी जानता हूँ उनको करीब करीब नहीं जानता हूँ तू जानता करीबी कहा कि सर मेरी वाइफ है वो कह रहे क्या इस तरह का उनको काउंड क्या निकले बाहर गेट खोल के वैसे कर रहे सिमी और हकलाने लगे योर हसबैंड ही इज योर हस्बैंड तो उसने बोला कि हाँ हाँ अरे तुम्हें बताया नहीं यार तुमने बताया नहीं तुमने आज तक बताया ही नहीं तुमने बोला कि नहीं बताना था तो क्यों नहीं बताना था तो बोला कि आपके पास कोई काम है मेरी वाइफ ने कहा कि आपके पास कोई काम था कि आप बताओ हाँ ये भी सही कह रही है मेरे पास कहाँ काम था कि तुम बुलाते ये अनुराग सर है फिर पूरे टीम को बताओ ये देखो ये देखो सिमी का हस्बैंड है आज तक किसने बुलाया नहीं ये किया वो किया पूरा एक हुआ फिर अंदर ले गए फिर अपनी फिल्म के बारे में बताया कि झारखंड व्यस्त एक फिल्म बना रहा हूँ उसमें एक जे सिंह नाम का कैरेक्टर है और ये ले स्क्रिप्ट ले पढ़ और वहीं बैठे बैठे मैं मिलने गया तो मुझे दोनों पार्ट का स्क्रिप्ट छः घंटा जबरदस्ती का बैठा दिया गया पढ़ने के लिए क्योंकि उस समय मैं मेंटली प्रिपेयर पढ़ने के लिए नहीं था जो घटनाएँ वहाँ घट रही थी बहुत मजा आ रहा था फील करके क्योंकि एक स्ट्रगल था ये कई मतलब मैं तीन साल अनुराग कश्यप के ऑफिस में लगातार लगभग जाता था कि कभी मिल जाए वो लेकिन कभी नहीं मिले फिर चार साल मेरी वाइफ थी वहाँ फिर भी नहीं गया क्योंकि नहीं जाना था इसलिए नहीं जाना था इसलिए जाना था मेरे अनुसार शायद आप लोग अगर कन्विंस हों इससे मुझे एज एन एक्टर मिलना था उनसे पति के रूप में नहीं मिलना था ये मेरे हस्बैंड हैं तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता हम किसी मिलाएंगे कि इनसे मिलिए ये मेरे भाई हैं और ये एक्टर भी हैं इससे बेहतर होगा कि हम पहले एक्टर मिलवाएं फिर भाई बताएं तो मेरी ये सोच थी तो मुझसे बोले तू क्यों नहीं आया पहले मिल मेरे वाइफ से बोले तो ऐसा फिर मुझसे बोले कि अच्छा तू क्यों नहीं आया पहले मुझसे मिलने तो मैंने बहुत आराम से मुस्कुराते हुए बोला कि सर मुझे ऐसे आना था जैसे आज आया हो ऐसे नहीं आना था ठीक है और ये ये देखो देखो तो इस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर तक की जर्नी मेरी हुई और उसके बाद तो फिर सब क्लियर हो गया रास्ता उसके बाद ऑब्वियसली सारा सीनेरियो बदल गया सबके नज़रिया बदल गया सारी चीज़ें बदल गई और बहुत सारे काम थे मतलब कंडीशन ये हो गया कि शूटिंग के दौरान ही मेरे पास उस समय रिलीज से पहले मुझे मैं कह सकता हूँ आठ फिल्मों का ऑफर था मेरे पास हिंदी के तो उसमें से पांच फिल्में वैसी थी जिसमें मैं जेपी सिंह ही था जो मुझे कभी नहीं करना था मुझे आज भी जेपी सिंह का जो लुक है जो जेपी सिंह कैरेक्टर है उसने मुझे नाम दिया सब कुछ दिया बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो करेक्टर आज भी मतलब तो मेरे पसंद की अगर बात करें तो, तो पाँचों फिल्म वही था कि एक ठाकुर है चालीस साल का ठाकुर है उसके एक बेटा है एक बेटी है दिस डेड तो उसको नहीं करना था तो पांच फिल्में तो मैंने छोड़ दी बच्ची तीन फिल्म तो एक फिल्म थी राजकुमार हिरानी के असिस्टेंट की फिल्म थी माया टेप जिसमें मैं और नवाज लीड में थे एक फिल्म थी तरकश जिसमें बंगाली के बड़े बड़े जो सुजीत सेन हैं जो महेश भट्ट की सारी फिल्मों को लिखा उन्होंने जो भी उनके महेश भट्ट की शुरुआती दिनों की फिल्में हैं उनकी फिल्म थी वो भी किया उसके बाद एक और तीसरी फिल्म थी वो भी किया तो इसमें निकल गया मेरे दो साल शूटिंग में आफ्टर गैंग्स ऑफ आसमपुर और आज भी वो तीनों फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो मेरे पास जो आठ फिल्में आई थी आठों में से आठों आया ही नहीं तो एक्चुअल में मज़ा मैं बता रहा हूं आपको ये है कि आफ्टर गैंग्स ऑफ आफ वासेपुर मेरा डाउनफॉल हुआ सब राइज़ किए और मेरा डाउनफॉल हुआ और ऐसा डाउनफॉल हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं कभी की थी एक चीज़ दूसरी ये थी कि आप रोड पे चल रहे हो यानी कि आप बिफोर गैंग्स ऑफ वासेपुर मैं रोड पे था कुछ था ही नहीं अचीवमेंट तो अगर आप उस पर गिरते हो तो पैर में ठेस लगे गिरे तो थोड़ा हो सकता है चोट उड़ा है गैंग्स ऑफ वासेपुर ने सिक्स या सेवन्थ फ्लोर पर पहुंचा दिया था तो मैं सेवन्थ फ्लोर से गिरा था तो मैं धस चुका था अंदर ऐसी स्थिति थी मेरी कुछ समझ में नहीं आया वो बुरा वक्त बहुत ही बुरा था जिसमें मैं नशे में भी गया अच्छा मेरे साथ एक है कि मैं जब काम करता हूं तो बहुत दिल से ही काम होता है बाकी होता ही नहीं है तो दारू भी पिया तो दिल से दारू पिया इतना पिया इतना पिया इतना पिया क्योंकि मैं लोड नहीं ले पा रहा था लोड नहीं ले पा रहा तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें उसमें एक फिल्म आई थी दिल चाहता है उसका एक गाना था बहुत ही ब्यूटीफुल गाना था इसमें एक शॉर्ट नया नया आया था हिंदी फिल्म में कि आमिर खान खड़े है और बाकी दुनिया मूव कर रही है सर 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 मूव कर रही है रियल लाइफ में मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार मैं तो वहीं हूँ यार पूरी दुनिया मूव कर रही है बॉम्बे की बात कर रहा हूँ मेरा स्टेशन के पास घर था रेलवे लोकल स्टेशन के पास तो और कुछ दिखाई दे रहा था बट ये था कि वापस वहीं जाना है मुझे तो आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर फिर से मुझे दस साल लग गया वापस दस साल लग गया काम के लिए नहीं काम बहुत आते थे लेकिन बीच में मैंने काम ही नहीं किया बिकॉज मैं एक्टिंग इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे नाम चाहिए या मुझे पैसे चाहिए मेरा मन है इसलिए करता हूँ तो मन कहेगा तो करूँगा नहीं तो महाड़ में जाए दुनिया कोई भी आदमी हो ऐसा नेचर है मेरा तो चला ये दस साल तक चला उस बीच में बहुत सारे काम थे दारू से बाहर आया मैं इतना पिया वही बता रहा था इतना पिया कि मुझे हॉस्पिटलाइज चला गया मैं और छूट गया यानी चार महीना कंटिन्यू पिया मैंने चौबीसों घंटे उसके बाद कभी नहीं पिया आज भी नहीं पीता हूँ ठीक है तो ये रहा मामला अब ये स्ट्रगल थी कि वापस मुझे वही जाना है जहाँ से मैं गिरा था एक लंबी स्ट्रगल चली इस बीच में शादी मैं कर ही चुका था मेरे मन की शादी थी शादी ही करने गया था मुंबई मेरा बेटा भी हो गया था आ, हो गया था नहीं कर किया गया था विट तब मैं थोड़ा तो प्लान्ड वाला आदमी शेड्यूल्ड वाला आदमी एक एक, 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 एक स्ट्रैटेजी बना के काम करता हूँ तो उस बीच में अब समझ भी आई बुद्धि भी हुई कि क्या करना नहीं करना लाइफ कैसे होगा तो ये मुझे समझ में आया कुछ भी हो Uh, दो मेरा कैरेक्टर है एक एज अ फादर और एक मेरा जो अपना ड्रीम है ये दोनों है तो ये दोनों को करना पड़े एक तो मैं कर नहीं रहा हूँ इतने वसूल हैं आपके इतने प्रिंसिपल्स हैं आपकी इतने किसी भी इंसान के तो मेरे भी हैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा ऐसा नहीं करूँगा टी नहीं करूँगा दिस नहीं करूँगा नहीं, नहीं करेंगे अच्छी बात है लेकिन आप नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे तो इसका आंसर हमारे मेरे पास भी नहीं था जज्बात में तो सब कुछ उड़ जाता है तो इस घटना के बाद फिर से एक दिमाग में बुद्धि आई या जो भी आया कि अब सर्वाइव करना है और किसी भी हाल में मुझे अपने घर में एक लाख के आसपास रुपया लाना ही लाना है ताकि मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्दी रहूं तो ही मैं हेल्दी बातें सोच सकता हूँ उसके लिए मैं एज ए घोस्ट राइटर कम से कम चार पाँच साल काम किया क्राइम पेट्रोल के लिए वो इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त क्राइम पेट्रोल लिखता था और मेरे लिए बहुत आसान था उसको करना तो उससे मेरी बात हुई कि 8000 पर एपिसोड मुझे मिलता था मतलब मेरा नाम नहीं था नाम उसका था लिखता मैं था तो महीने का दस मुझे लिखना होता था मेरे पास आ जाता था अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार रुपया उस नब्बे हज़ार में मैं आराम से अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा देता था और वहाँ से फिर स्ट्रैटेजी बनी कि अब करना क्या है तो अब करने में बहुत सारी चीज़ें आई उसमें मुझे लगा कि यार मुझे अपना प्लेटफॉर्म खुद खड़ा करना पड़ेगा तो यहाँ से एक शुरुआत हुई फिर लगा कि अपना कैसे प्लेटफॉर्म खड़ा करूँ क्योंकि दिमाग में बात आई कि मेरे सपना को पूरा कौन कर सकता है तो मुझे आंसर ये आया आप लोग शायद सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा मुझे लगा कि दो ही व्यक्ति है जो कर सकता है एक है जिसपे हम डिपेंड हैं कि भाई अनुराग कश्यप फिर से हमें देंगे चांस कोई बड़ा डायरेक्टर फिर से मुझे लॉन्च करेगा और फिर से मैं अपने सपना पूरा करूंगा एक तो वो है और दूसरा ये है कि अच्छा ये क्या है डिपेंडेंसी है हम किसी और पे डिपेंड हैं उसका मन करेगा तो तो ऐसी क्या चीज़ है कि जब मेरा मन करेगा वो करूँ तो वो अपने हाथ में है ये मुझे क्लियर हुआ और वहाँ से मैंने एक रेवोल्यूशन शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा था बिम्बो अम्बा अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन मैं आरा से हूँ मेरी भाषा भोजपुरी है और जो इमेज है भोजपुरी का तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ठीक करूँ अपने लेवल पर जिम्मेदारी मतलब कि ठेका नहीं ले रखा है बट मेरे माध्यम से जो भी मैं योगदान दे सकता हूँ वो दूँगा तो वहाँ से शुरू हुई कि एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा मैं अपना खुद फिल्म बनाऊंगा दिस करूंगा दैट करूंगा यहाँ से शुरुआत थी ये बात मैं 2014 की बता रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर ही सब आईसीयू में बैठ के सब ज्ञान मिल रहा था मुझे और फिर धीरे धीरे हुआ कि ये अपने लिए क्यों तो बड़े लेवल पर जाते हैं औरों के लिए बनाएं ऐसे बनाएं तो करते 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 वो चीज़ें बढ़ती गई और आज सात साल हो गया है आज सात साल में आ, सिनेमा की खेती नाम का एक मेरा आंदोलन चलता है लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं कि बोलते हैं सिनेमा की खेती तो मैंने कहा जी इट्स आई ए फार्मिंग अ फिल्म तो अब फार्मिंग अ फिल्म ये अवार्ड कोई फिल्म कहाँ फार्म करता है कोई तो उसमें स्टडी था कि अब डेट मतलब डायरेक्टर पैदा करना है सारी चीज़ें वोल बच्चे स्पेशली बच्चे में साइकोलॉजी का आदमी हूँ तो आई नो द जो सबकॉन्शियस माइंड के जो ऐप्स होते हैं वो क्या होते हैं कैसे होते हैं मैं जानता हूँ उसको तो ये था कि मेरे अनुसार आज के डेट में अगर बात करूँ तो इर्थ नाइन्थ क्लास के बच्चों के दिमाग में स्पेस नहीं बचा है तो आप नया चीज़ क्या डालेंगे तो बच्चे ही पकड़ना था और ये था कि सिनेमा के कीड़ा किसके अंदर है जिसको हम लोग खुजली कहते हैं उन बच्चों को ढूंढना था और वैसे बच्चों को ढूंढना था जिनको पता था कि ना वो कभी सिनेमा तक पहुंच सकते हैं ना सिनेमा उन तक पहुंच सकती है तो मुझे उसका ब्रिज बनना था और ये आइडिया तब आया था मुझे कि एक तो मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा मतलब ऐसा नहीं कोई छोड़ना है वो तो काम करूंगा ही मैं स्ट्रगल करूंगा लोगों के पास जाऊँगा डायरेक्टर के पास जाऊंगा एक वो काम करना है जो मेरे हाथ में है मैं अभी मन करेगा अभी सारा लिखूंगा अभी शूट करूंगा वो वाली बात तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये लगा कि मतलब इन चीज़ों को कैसे किया जाए फिर दिमाग में आया भोजपुरी की जो मैंने बात की मुझे अच्छा साइकोलॉजी का मामला है तो मुझे मेरे लिए ऐसा है कि टू प्लस टू स्कल टू फोर पर कोई बात करे तो मैं बात करता हूँ लॉजिक बात करे तो करू ये मन की बात मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता तो मुझे ये लगा कि भोजपुरी का विकास कैसे होगा मतलब प्रॉब्लम्स क्या है तो प्रॉब्लम ये है कि भाई आप टाइप करो तो सेमी सेमीपॉन असली गाने ये लिख के आता है जो जिसपे हम लोग मापते हैं तो बहुत सारी बातें हैं ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंटरनेशनल नेशनल भोजपुरी से जुड़ा जिससे मैं नहीं जुड़ा हूँ मतलब तो जुड़ के भागाया बाहर ऐसा बातें होती है कुछ होता नहीं है तो मुझे लगा कि आ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि यार ये जब तक ये आंकड़ा जो है हम टाइप करेंगे भोजपुरी और एक शुद्ध शलील गाना कब आएगा जब उसका आंकड़ा बराबर होगा और श्लीलता और शलीलता का आंकड़ा जब बराबर होगा तो ये भी फ्लैश करेगा स्क्रीन पर तो आंकड़ा बराबर कैसे होगा तो उतना प्रोडक्ट बनाना होगा तो प्रोडक्ट बनाएगा कौन मेकर बनाएंगे तो किस मेकर के पास मैं जाऊंगा कि सारा इतना प्रोडक्ट बनाएगा वो तो पैदा करो मेकर्स तो यहाँ से होते होते सिलसिला शुरू हुआ सिनेमा की खेती का आज के डेट में फिफ्टी टू लड़के हैं कम से कम पचास साठ शहर भारत के ऐसा नहीं खाली बिहार के जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और अवार्ड उठा रहे हैं बीच में दो तीन साल गैप रहा मतलब कोरोना दिस दैट तो शांत है मामला और 2024 के एंड तक मेरा अपना एक प्लान है कि सौ खड़ा कर दूंगा मैं मैं चूंकि समय नहीं दे रहा हूँ हो जाएंगे बहुत नेटवर्क है सौ बच्चे होंगे और सौ बच्चों के साथ एक साथ में मुझे सौ भोजपुरी फिल्म बनानी है ये एक साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं कोई जज्बात और ये नहीं सौ सिनेमा एक बार अगर न्यूज़ में आएगा भोजपुरी का तो एक इम्पैक्ट छोड़ेगा मतलब हम जिसको कहते हैं ना पिछवाड़ा फाड़ देगा तो लोगों का ना मतलब हिलेगा दिमाग में सौ सिनेमा भोजपुरी का अच्छा मैं किस तरह का सिनेमा बनाऊंगा जिस तरह के सिनेमा में काम करता हूँ जो मेरी स्कूलिंग है मेरी स्कूलिंग अनुराग कश्यप हैं विशाल भारद्वाज हैं अमित मसूरकर हैं शेरनी मैंने फिल्म की है आ, आपके इम्तियाज़ अली हैं तो उसी तरह की भोजपुरी बनेगी मतलब लैंग्वेज होगी भोजपुरी बाकी कॉन्टेंट इंटरनेशनल होगा जो भी सारी चीज़ें थी तो ये प्लानिंग हुई सेकेंडरी ये चल रहा था कि लफोक नाम का भी बाद में मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया लफोक मतलब है लेट्स फॉर्म आवर ओन सिनेमा तो इसका कॉन्सेप्ट यह था कि पैसा ऐसा चीज है ना कि हम हर चीज के लिए रुके रहते हैं यार यार पैसा होगा तो फिल्म बनाएंगे पैसा होगा तो कैमरा आ जाएगा पैसा होगा तो दिस होगा पैसा होगा तो दिस होगा हो तो हो होता ही नहीं है तो ये जो आंदोलन है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि इसमें बिना पैसे के हमको फिल्म बनाना है उसमें आपके क्रिएटिविटी क्या है कॉन्टैक्ट्स क्या हैं आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं आपके आ, मिलते हैं लोग हम सबको मिलते हैं जो बोलते हैं कि एक बार मौका मिले तो दिस एक बार मौका मिले तो फाड़ दूंगा दिस कर दूंगा दैट कर दूंगा तो आइए फाड़िए ऐसा था मामला तो ये अभी इक्कीस लोग हो चुके हैं जो लफोक का मतलब ये है मेरे अनुसार जिनको मालूम है कि वाट इज़ द फिल्म सिनेमा क्या होती है जो सिनेमा की खेती के बच्चे जो बताया मैंने ये अभी सिनेमा के बारे में मेरे अनुसार जानकारी इनको नहीं है हंड्रेड परसेंट ये भी डेढ़ दो साल लगेगा बढ़िया जानकारी होने में तो ये दो इनिशिएटिव चल रहा था लगातार आज भी चल रहा है और दूसरी तरफ स्ट्रगल मेरा एज एन एक्टर वो भी चल रहा था तो उसमें बहुत क्लियर था कि जहाँ से मैं गिरा हूँ मुझे वहीं जाना है तो बहुत समय तक अप्रोच हुआ और मेरी आ, री एंट्री हुई है शेरनी से तो ये एक लेवल का मामला था क्योंकि वासेपुर से मैं गिरा था तो शेरनी फिल्म में आया शेरनी यानी विद्या बालन अमित मासूरकर जिनकी फिल्म न्यूटन ऑस्कर में जा चुकी थी तो ये दस साल उसमें लगा कि जहाँ से गिरा था वहीं रहना है और शेरनी के बाद अभी कंटिन्यू चल रहा है कंटिन्यू मतलब ग्रहण आया शेरनी ग्रहण महारानी डॉक्टर पारे खाता इम्तियाज़ अली का अभी गर्मी चल रहा है मेरा अभी इस पर उसके बाद एक और भी मेरी फिल्म अभी चल रही है जिसका नाम है अब दिल्ली दूर नहीं ये छोटी सी फिल्म है बट कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से, से फिल्म पहुँच के अंबानी ने पर्सनल रिक्वेस्ट भेजा हमारे मेकर्स को कि हम उनके अपने पर्सनल थिएटर में देखना चाहते हैं तो देश का एक बड़ा न्यूज़ बन गया पार्ट टू के अनाउंसमेंट हो गया तो ये जर्नी कंटिन्यू चल रही है मुझे लगता है कि अभी जो मेरी स्थिति है हर महीने एक फिल्म मेरी लाइनअप है आने वाली है तो यहाँ तक कि ये जर्नी चली बड़ा मज़ेदार रहा जर्नी बहुत ही मज़ेदार रहा मतलब मुझे अब लगता है कि ये सारी इतनी घटनाएं नहीं घटती लाइफ में तो आज जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा नहीं आता बहुत बड़ा लगता है बड़ा छोटा लाइफ है यार कुछ आया कि यह निकल लिया ऐसा करके तो ये दोनों चल रहा है इसी जर्नी में बहुत कुछ हुआ काम तो मिलते रहे अप्रिसिएशन भी मिला बहुत कुछ मिला इसी बीच में क्या हुआ कि एक शॉर्ट फिल्म में एक हमारी मैम है दिल्ली की उन्होंने कहा कि एक मेरे पास रियल कंटेंट है एक बिहारी मज़दूर की कहानी है जिसके साथ कुछ घटना घट गई थी बड़ी मज़ेदार घटना घटी थी उसको एक रोग है वो तो इस पर हम लोग कुछ करेंगे क्या मैंने क्या करते हैं है मैम तो हमने किया उस पर काम और पता नहीं था मुझे और ये दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ये तो बड़ा मज़ेदार बात थी मतलब सरप्राइज था मेरे लिए बहुत अच्छा लगा आज आ, मतलब एक होता है ना किसी एक्टर को आप एक्टिंग करने की बात करते हैं तो लोग डाउट करते हैं कि अच्छा आप एक्टर हैं एक क्वेश्चन मन में होता है तो ये जो टैग लग गया ना कि दादा साहब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ही काम आनंद तो बहुत सारे सवाल तब नहीं किया जाता था, था दो साल पहले की बात है तो ये एक मज़ेदार जर्नी रहा इस अवार्ड का जहाँ पे मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ तो ये था मामला दर साफाल के फिल्मेस्टिवल तो मोटा मोटी ये थी मेरी कहानी एक लंबी जर्नी है जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में किया और ये एक रोलर कोस्टर कहानी थी पूरी और जिसको लेके उस टाइम पे मुझे बड़ा लगता था कि यार क्या हो रहा है लाइफ में बट अब लगता है कि आ, बहुत मज़ेदार लाइफ थी इतना उतार चढ़ाव नहीं होता तो शायद मैं इतना ना इस्ट्रॉग होता ना इतना हम्बल होता ना इतना प्यार से बात जो चीज़ें हो रही है तो ये थी मेरी कहानी और मुझे लगता है कि जो इंसान कोई भी है उसके कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके अपने हिस्से की मेहनत अपने हिस्से का स्ट्रगल अपने हिस्से का जो भी आ, चीज़ है कंट्रीब्यूशन अपने सपनों के लिए उठा पटक नेगेटिव पॉजिटिव बहुत तरह की चीज़ें हर एक इंसान के लाइफ में आता है अगर हम लोगों में से कोई ये सोचता है कि यार मेरे साथ बड़ा जुर्म हो रहा है यार बहुत कुछ तो मेरी किस्मत ही ठीक नहीं दे रहा है किस्मत ही खराब है आ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है दुनिया के हर आदमी के साथ ऐसा होता है जो थोड़ा भी महत्वाकांक्षी होता है तो ये एक जर्नी है इसको एक्सेप्ट किया जाए मैं यही कहूंगा मैंने एक्सेप्ट किया आज देखिए कितनी मजेदार बातें कर रहा हूं आपके सामने अभी तो लगातार मैं कह रहा हूं कि हर महीने मेरी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो ऐसी स्थितियों को आ, हमें सदुपयोग करना है टूटना नहीं है ये प्रवचन के लिए बात नहीं कह रहा हूं ऑप्शन नहीं है ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा है कि टूटना नहीं चाहिए मजबूत होना चाहिए ऐसा नहीं आपके पास विकल्प नहीं है टूट गए खत्म हो गए टिक गए आगे बढ़ेंगे बहुत सिंपल सी बात है तो ये अपनी मेरी कहानी है आप सबकी भी अपनी कहानी होगी जब तक जितने साल की आपकी जर्नी है उतने साल में सब कुछ हुआ होगा आगे इससे भी बड़ा होगा मान के रहिए बट इसको मजा लेना है जान लें हम कि आगे चल के हमको जितना बड़ा हम सोचेंगे जितनी बड़ी ख्वाहिश रखेंगे हम उतने बड़े स्ट्रगल को हमको क्रॉस करना पड़ेगा तो इसका मज़ा लिया जाए अपनी जर्नी का मज़ा लें और इन्जॉय करें जैसे गूगल रोड मैप आ गया अभी तो हमें पता चलता है कि आगे चार किलोमीटर में कहाँ ट्रैफिक है कहाँ से हम निकल सकते हैं तो लाइफ का भी एक मैप होता है उसके बारे में हम सोचें कि ऐसे जाएं कि ऐसे जाएं कि वैसे जाएं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव करें इसका एक कोई ना कोई रास्ता मिलता है सेकेंड ऑप्शन मिलता है तो उस पर जाएँ और चलते रहें हम चलते रहना है चलते रहना है ये फिर वही बात होगी कि विकल्प नहीं है आप चलेंगे तो ही मंजिल तक पहुँचेंगे रुक जाएंगे सुस्ता जाएंगे बाहर आ जाएंगे नहीं मिलेगा तो मज़ा लीजिए जीवन का क्योंकि लाइफ बहुत मज़ेदार चीज़ है बहुत ब्यूटीफुल है और जब तक ये घटनाएं नहीं घटेगी तो एक बड़ा मोनोटोनस लाइफ हो जाएगा जैसे हम बहुत सारे एक्टरों को देखते हैं कि अरे यार एक ही तरह का एक्टिंग कर रहे हैं वो वैसे ही हमारी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी तो इसलिए लाइफ में अगर उठापटक नहीं हो रहा है आपके अच्छे और बुरे दिन नहीं आ रहे हैं तो आप ज़्यादा सतर्क होइए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं होना ज़रूरी है मेरे अनुसार होना जरूरी उठापटक गंदे लोग अच्छे लोग बुरे लोग सब तरह के लोग मिलने चाहिए तो ही हमें पता चलेगा कि राइट पर्सन किसको कहते हैं अच्छा आदमी होता कौन है वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुड पीपल अच्छा रास्ता क्या है तो जब तक आप जाएंगे नहीं समाज में लोगों से टकराएंगे नहीं दस लोगों से नहीं टकराएंगे तो पता नहीं चलेगा कि दस में से आठ खराब है तो खराब किसको कहते हैं अच्छा किसको कहते हैं तो भिड़ना पड़ेगा और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है सर जाना पड़ेगा ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में तो मज़ा कीजिए जर्नी है बहुत ब्यूटीफुल है जर्नी हमारी हर आदमी की इंसान की इसको समझदारी से काम करना इमोशनल से ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ी समझदारी करें कान नाक सब खोले थोड़ा और आ, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग प्लान करते हैं ठीक है वैसे इसमें भी थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है प्लस हम लोग के साथ मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस है और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से कुछ लोगों को समझ में भी आए कि ऐसे कोई काम नहीं है जिसमें बुरा वक्त नहीं आएगा ये एकदम आप क्लियर हो जाए हर आदमी आना ही आना है और बढ़ते जाना है चलते जाइए तो उसी का नाम है जिंदगी और मजा लीजिए सब कुछ होगा बाकी थैंक यू सो मच